प्रकार से भ्रष्ट रवि श्रीवास्तव जी आज जवाब दीजिए, आज आज ये जवाब देना चाहिए आपको कि एक मंत्री जो जेल में बैठा है और 177 दिन से जेल में बैठा है, पहली बात तो ये कि क्या वो मंत्री रह सकता है, और फिर दूसरी बात जेल का मंत्री जिसके इशारों पर जेल चलती है और यहाँ पे जो मालिशें हो रही हैं, जो खाना पीना हो रहा है, ये पूरा एक तरह से जो जेल मैनुअल है उसका तो मजाक बना के आप रख दिया है। ये आम आदमी पार्टी है या खास आदमी पार्टी है, ये आज जनता को समझा दी। देखिए, कोर्ट में एक अर्जी दी गई है कि अगर ये वीडियो जो है वो लीक करके दिखाए जा रहे हैं बाहर और मीडिया इनको दिखा रहा है, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये वीडियो आपको तिहाड़ जेल से मिले हैं, तो आप भी थोड़ा स्पष्ट करिए कि ये आपको तिहाड़ जेल से किसने दिए हैं, एक बात। दूसरी चीज ये है कि अगर कल कोर्ट ये कहता है कि मीडिया को ये, अरे यार मैं बोल लू ना, और भैया मैं बोल लू या तुम ही बोल लो, यानी आपको चोरी का दुख नहीं है, आपको फोटो आने का दुख है? नहीं नहीं, अब आप आपके बोलने पे मैं, आपके बोलने पे मैं तो नहीं बोला, जब मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, शांत रहिए, थोड़ी देर के लिए बेशर्मी से बोलिए, कोई बात नहीं, और डिफेंड करिए बेशर्मी से, कोई बात नहीं। अरे आप बेशर्म, तो आप बेशर्म, तो आपका बेशर्म तो आपका गृह मंत्री है। अच्छा अच्छा, ये डिबेट पे पर्सनल अटैक मत करिए। आप मुझे कह रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी, आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे ये वीडियो दिखाना नहीं चाहिए और मुझे बताना चाहिए ये वीडियो कहाँ से आया, किसने दिया। चलिए, आपको इंटरेस्ट है कि वीडियो मुझे किसने दिया, मुझे इस बात में इंटरेस्ट है कि ये वीडियो सही है या गलत है। अगर गलत है आप मुझ पर केस कर दीजिए, और अगर सही है और ये आदमी जो वीडियो में दिख रहा है ये सत्येंद्र जैन है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि वहां उन्हें किस तरह की सर्विस मिल रही। जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा, और एक बात आपको और बता दूं कि अगर कल को कोर्ट या ऑर्डर पास करता है कि ये ऑर्डर पास करता है कि ये वीडियो आपको नहीं दिखाने हैं, तो आप देश से माफी मांगेंगी नेशनल चैनल के ऊपर? मैं, आप इतनी बड़ी, मैं जनता तक सच ले जाने के लिए कभी किसी से माफी नहीं मांगूंगी। आप माफी, रवि श्रीवास्तव जी, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता तक सच ले जाना मेरा कर्तव्य है, मैं इस कर्तव्य से नहीं हटूंगी। मैं इसीलिए जर्नलिस्ट बनी थी, इसीलिए पत्रकार बनी थी कि जनता तक सच लेकर जाऊं। मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं। अगर ये सच है, माननीय कोर्ट जो भी कहता है वो सर आंखों पर, लेकिन सच बोलने से किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और इतना ही ध्यान रखिए। हाँ, और ये वीडियो सच नहीं कह रहा, ये आपकी दलील है।